ड्राइवर भैया से मैं विनती करता हूँ, थोड़े से पैसे लगाइए और अपना बिजनेस कर लीजिए। और नीतीश गडकरी जी, अब ड्राइवर यही काम करेंगे। अब कहाँ जा रहा है? हम घर जा रहे हैं भाई, हमको गाड़ी नहीं चलाना है। कहाँ जा रहे हो लाला? घर में जा रहा हूँ भाई। कहाँ चल दिए सुबह सुबह? घर जा रहे भैया, घर जा रहे हैं। घर जा रहा भाई, जा रहा हूँ भैया घर पे। चलो चलो चलो। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। नए कानून से पुलिस प्रशासन भी हिला, बनी कंफ्यूजन की स्थिति। जी हां दोस्तों, एक नया कानून पास किया गया है। कानून में सुधार को देखते हुए कानून बदला गया है, यानी कि अब आईपीसी इतिहास बन चुका है और भारतीय न्याय संहिता ने उसकी जगह ले ली है। जी हाँ, लेकिन आप पिछले दिनों से ये तस्वीर ये वीडियोस देख रहे होंगे कि जगह जगह ड्राइवर परेशान हैं, खासकर ट्रक ड्राइवर कम्युनिटी परेशान है, जो कि पूरे देश भर में चलते हैं, देश के आंतरिक सिपाही हैं। उनका कहना है कि ये जो नया कानून आया है, खासकर इसमें जो हिट एंड रन केस को लेकर बात कही गई है, वो उनके लिए चिंता का कारण है। 10 साल की सजा तो भैया कौन काटेगा? किसके पास 7 लाख रुपया है और किसके पास टाइम है जो 10 साल की सजा काटेगा? इससे अच्छा है ड्राइवर भैयाओं से मैं विनती करता हूँ कि अपना अपना बिजनेस कर लीजिए। मैंने भी अपना बिजनेस किया है। थोड़े से पैसे लगाइए और अपना बिजनेस कर लीजिए। और नीतीश गडकरी जी, अब ड्राइवर यही काम करेंगे, ठीक है? इस जेल काटने से अच्छा है कि हम अपना अपना बिजनेस कर लें। पहले कहावत हुआ करती थी, कर ले बेटा ड्राइवरी फूटे तेरे कर्म, कर ले बेटा ड्राइवरी फूटे तेरे कर्म, रोटी मिलेगी कभी कभी सोना अगले जन्म। आप देखो ये हो गया है कि बेटे कर ले बेटा एक्सीडेंट, मिलेगी तुझे 10 साल सजा और 7 लाख रुपया। 7 लाख तो मेरे बाप ने भी नहीं कमाए होंगे, कहाँ से देंगे? आप दिहाड़ी कर ले 10 हजार की, उसमें आपकी जिंदगी कट जाएगी। 10 साल का सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना लगेगा, इसमें हम ड्राइवर भाइयों के साथ जाती हो रही है। कानून वापस लें, ये काला कानून है। आज से हम अपना लाइसेंस तोड़ रहे हैं, आज से हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्या हुआ उस्ताद, क्यों जा रहे हो घर को? घर को जा रहे हैं भाई साहब। सरकार अपना कानून वापस लेगी तो गाड़ी चलाएंगे, ना तो अपना DL और अपना कानून रख ले अपना संभाल के। ड्राइवर का तो कुछ है ही नहीं। अब कहाँ जा रहा है? हम घर जा रहे हैं भाई, हमको गाड़ी नहीं चलाना है। सरकार से हमारा यही कहना है, कानून आप वापस दो, नहीं तो हम लोग गाड़ी छोड़ा बेच लिया चल रहा है घर। कहाँ जा रहे हो उस्ताद? जा रहा हूँ भैया घर पे। कहाँ जा रहे हो लाला? घर में जा रहा हूँ भाई। कहाँ भाई? भाई 10 साल की सजा, 5 लाख को जुर्माना, गाड़ी चलाऊंगा फिर घर ही रह लेंगे। अरे ड्राइवर साहब, कहाँ जा रहे? कहाँ चल दिए सुबह सुबह? घर जा रहे भैया। क्यों भैया? क्या करें भैया, 10 लाख जुर्माना कौन भरेगा और 10 साल जेल कौन काटेगा? 15 हजार रुपए सैलरी है और कहाँ से लाएंगे 10 लाख रुपए? खेत भी नहीं है, चलो खेत बेच के लाएंगे। मेरा झोरा दो, मैं घर जा रहे हैं। हाँ भैया, अरे भाई कौन 10 लाख रुपए देगा? कोई बात हो जाए, कौन जेल 10 साल काटेगा, तुम बताओ। अरे अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? भाई साहब घर जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे भाई साहब? यार क्या हो गया, गाड़ी भी नहीं चलानी यार, मुझे बताओ। और चलो चलो चलो। अरे भाई कहाँ जा रहा? घर जा रहा भाई। के बाद? के बाद 10 साल जेल में नहीं रहना भाई। वैसे तो ये सभी ड्राइवरों के लिए है जो भी रोड पर निकलता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर इससे ज्यादा निराश और हताश हैं। और कहने वाले कह रहे हैं कि ड्राइवर लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए ऐसा हल्ला कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, उन्हें ये कानून समझ में नहीं आया। लेकिन कानून तो पुलिस प्रशासन को और वकीलों को भी नहीं समझ में आ रहा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसी खबरें आ रही हैं, जांच अधिकारियों का मानना है कि ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि आईपीसी, जो कि अब पुरानी हो चुकी बात है, इसमें अब जो FIR लिखवाने की सारी गतिविधि थी वो भी बदल चुकी है। लिहाजा वकील, जांच अधिकारी और अदालतों से जुड़े सभी लोगों में ऊहापोह की स्थिति है। तो सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, सभी कंफ्यूज हैं। जांच अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता की ट्रेनिंग पर जोर दिया है। दिल्ली पुलिस के पूर्व ACP और दिल्ली पुलिस महासंघ के चीफ ने बताया है कि गुलामी की प्रतीक इंडियन पीनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता के बतौर विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया है, लेकिन
पूरी तरह से इन बदलावों को समझने में कम से कम कई महीने का वक्त लगने वाला है। यह हम आपको एक मीडिया रिपोर्ट्स की छपी खबर के अनुसार बता रहे हैं। पूरे देश में इन कानूनों से कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, और अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि बीमा कहां से लें तो ट्रांसपोर्ट मॉल से संपर्क करें। हमारा नंबर है 90831 90831, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कंफ्यूजन दूर कर बीमा बनवा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की ही एक छपी खबर के अनुसार आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ में 22 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जो कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, लेकिन दिसंबर 2024 तक। उनका कहना था कि दिसंबर 2024 तक सभी तरह का वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और कोर्ट का कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा और इन कानूनों को सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि दिसंबर 2024 तक इसे पूरी तरह से लागू किए जाने की बात की जा रही है, जो ये दर्शाता है कि अभी बहुत सा होमवर्क होना जरूरी है या इस पर बहुत सा काम किया जाना जरूरी है। यही बात जांच अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी है इसको दूर किया जाना होगा ट्रेनिंग के जरिए। अभी ना तो किसी पुलिस प्रशासन को ट्रेनिंग मिली है, ना ही वकीलों को, वो सब ऊहापोह की स्थिति में है। एकदम से इस कानून का पास किया जाना असमंजस की स्थिति में सभी को डाल रहा है। अब इससे कैसे निकला जाए वो भी बता दिया गया कि ट्रेनिंग के जरिए ये निकला जाएगा, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगने वाला है। तो ड्राइवर क्यों ना अपनी मांग मांगे, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि इस कानून को दोबारा से रीक्लियर करने की जरूरत है। कोई ना कोई एक प्रतिनिधि तय किया जाए जो इन लोगों से बात करे, ड्राइवरों को समझाए कि क्या क्या कानून में है, क्या क्या प्रावधान होंगे, किस तरह से ये आपके लिए सही है। AIMTC ने भी पत्र लिखकर ये मांग की है कि रिकंसीडर किया जाए इस कानून को। आप देख सकते हैं जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, ड्राइवर अपने लाइसेंसों को फाड़ कर फेंक रहे हैं, लाइसेंस फेंक दे रहे हैं और प्रण ले रहे हैं कि जब तक ये कानून में सुधार नहीं होगा या इस पर बात नहीं की जाती, इसको क्लियर नहीं किया जाता, वो ये काम ही नहीं करेंगे, वो ये काम छोड़कर कोई और काम अपनाने की स्थिति में। आप देख सकते हैं कुछ ड्राइवर इकट्ठा है, अपना लाइसेंस फेंक कर यहाँ पर खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आपने एक्सीडेंट्स पर अंकुश लगाने के लिए ड्राइवरों पर तो सख्ती कर दी कि 10 साल तक की सजा हो जाएगी अगर हिट एंड रन का केस किया और वहां पर किसी को मरता छोड़ दिया तो। लेकिन उसका क्या जब ड्राइवरों पर यह कहकर हाथ उठा दिया जाता है कि ड्राइवर कहीं का, या गाली देकर उन्हें बोला जाता है और मारा पीटा जाता है। उनकी मांग है कि इस पर भी नॉन बेलेबल पनिशमेंट की जाए ताकि जो ड्राइवरों पर हाथ उठा रहा है वो भी रुके, वो भी थमे। एक मांग ये भी हो रही है कि बिना हेल्पर के वो गाड़ी नहीं चलाएंगे क्योंकि इससे हादसा होने की स्थिति ज्यादा पैदा होती है, इसलिए ये भी निर्धारित किया जाए कि ड्राइवर के साथ हेल्पर जरूर होगा। ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाने वाले को 3 माह तक बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ के देश परदेश में जाता है मजदूरी करने के लिए, और उसके लिए मार मार के उसकी ड्राइवर की जान ले ली जाती है। बगैर हेल्पर के कोई गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ड्राइवरों का कहना है कि ट्रक ड्राइवर जो कि एक आंतरिक सिपाही है, पूरे देश में माल सप्लाई करता है, पूरे देश की इकोनॉमी चलाने में ड्राइवरों का बहुत बड़ा हाथ है, या ट्रांसपोर्ट जगत का बहुत बड़ा हाथ है। ड्राइवरों का कहना है कि उनके परिवार के लोगों को भी सिपाही की तरह, आर्मी वालों की तरह जब सफर करते हैं ट्रेन पर या बसों में, तो उन्हें भी मुफ्त सुविधाएं या उनकी तरह सुविधाएं दी जाएं। देश की सेवा करते करते एक दिन सेवा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसके बीवी बच्चे उसका साथ छोड़ देते हैं, तो वो भीख मांगने के योग्य हो जाता है, इसलिए उसको पेंशन भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। आज हमारे ड्राइवर भाई देश की सेवा करते हैं, हर जगह पे इधर से उधर जाते हैं, उनको किराया लगता है, इसलिए महिलाओं को, आर्मी वालों को, विकलांगों के लिए जैसी एक बोगी ट्रेन में मिलती है, ऐसे हमारे ड्राइवर भाइयों को ट्रेन में भी बोगी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। AIMTC ने भी कहा है कि देश में 27% ड्राइवरों की तो कमी वैसे ही है, ऐसे में ये कानून अगर आता है और हिट एंड रन केस में इस तरह की सजा दी जाती है तो कहीं ना कहीं मनोबल ड्राइवरों का टूटेगा और कमी आएगी और इससे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। एक 65 साल के बुजुर्ग ड्राइवर ने भी यही बात की है कि किस तरह से देश में हेल्परों की कमी है और किस तरह से ट्रांसपोर्ट जगत डूबता जा रहा है। सुनिए, आज जितनी गाड़ियां हैं उतने ड्राइवर नहीं है, 80% गाड़ियां बिना हेल्पर के चल रही है। जब 80% गाड़ियां बिना हेल्पर के चल रही है तो ड्राइवर बनेंगे कहाँ से? आज के 5 साल बाद ड्राइवर नहीं मिल रहा लोगों को।
हमारे जैसे जो चलाने वाले वो रिटायर हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, नए ड्राइवर बन नहीं रहे, गाड़ियां उठते जा रही है, उसके बाद सरकार ड्राइवर के ऊपर लगाम लगा रही है। सुन लिया आपने, अब आप समझ सकते हैं किस तरह से ये सभी ड्राइवर उलझे हुए हैं। अब यहाँ पर ड्राइवरों का ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई सजा ही ना हो, लेकिन उनका कहना है कि हिट एंड रन केस में ड्राइवर इसलिए भागता है कि उसे वहां पकड़कर पीटा जाता है, उस पर भी कोई लगाम लगाई जाए, उनके लिए भी कोई कानून बने। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि अंकुश लगाने के लिए सजा तो बढ़ा दी, लेकिन सुविधाओं पर जोर कब दिया जाएगा? अगर 8-8 घंटे निर्धारित कर दिए जाएं और सख्ती से उसका पालन करवाया जाए, 2 ड्राइवर रखे जाएं, तो ऐसी घटनाओं में वैसे ही कमी आ जाएगी, उस पर कोई फोकस नहीं किया जाता। सजा के माध्यम से अंकुश लगाने की प्रक्रिया सही है, लेकिन रूट कॉजेस पर भी ध्यान दिया जाए। ड्राइवर जो नींद में चलता है, लगातार मजबूरी में घंटों चलना पड़ता है, उसकी वजह से भी बहुत से हादसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हिट एंड रन की स्थिति पैदा होती है। उस रूट कॉज पर भी फोकस किया जाए, उसे भी अमल में लाया जाए, जिससे ड्राइवरों की स्थिति बेहतर हो और ऐसी घटनाएं ना हो। दोस्तों, इन दिनों ये मुद्दा काफी गर्म है, रोजाना नई अपडेट आ रही है, जैसे जैसे हम तक नई अपडेट आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स के स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।